प्रशांत किशोर इतना उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो रणनीति बनाने के मास्टर हैं, अचानक से उन्होंने पहले ही उड़ान में इतना सारा परिवर्तन करना पड़ा, दो दो जगह से उनको उम्मीदवार बदलने पड़े, ये दर्शाता है कि अपरिपक्वता उनमें राजनीतिक रूप से है। तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तीनों को, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को भी, इन सभी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार के राज में एनडीए का इतना बड़ा जनाधार होते हुए और तेजस्वी यादव का 30% वोट के बाद भी प्रशांत किशोर ने टक्कर दे दिया है कि किस तरह से अब प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद जीत हार के अंतर पैदा होंगे। तो माझी बनाम माझी की लड़ाई है और इस लड़ाई में उन्होंने पासवान उम्मीदवार को उतारा है। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए प्रशांत किशोर ने यह पूरा का पूरा जाल बिछाया है। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह जब मैं नहले पे दहला कर रहा था तो मेरे मन में एक संशय जरूर था, और वो संशय था जिसको आपके सामने हमने रखा भी था कि क्या प्रशांत किशोर ये समझ गए हैं कि इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। उन्होंने जब आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने इस तरह की बातें कही जो साफ लग रहा था कि अभी भी उनका विजन कहीं बदला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को धड़ाधड़ जो बदला, ये साफ दर्शा रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं अभी भी राजनीतिक रूप से भले ही रणनीतिकार के रूप में सफल रहे हों या जितने भी वो दावे कर रहे हों कि इनको जिताया, उनको जिताया, उनको जिताया, लेकिन जब अपने पर उनकी आई है तो कहीं ना कहीं वो असहज महसूस कर रहे हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतना उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो रणनीति बनाने के मास्टर हैं, अचानक से उन्होंने पहले ही उड़ान में इतना सारा परिवर्तन करना पड़ा, दो दो जगह से उनको उम्मीदवार बदलने पड़े, ये दर्शाता है कि अपरिपक्वता उनमें राजनीतिक रूप से है। और टक्कर वो किसको देने जा रहे हैं? तो नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार को वो टक्कर देने जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर से एक बहुत बड़ी मिस्टेक या गलती हो गई है, या दूसरी अगर सिक्के की पहलू की तरफ देखें तो प्रशांत किशोर अगर लालू प्रसाद को टक्कर देने जा रहे हैं तो वो सफल हो सकते हैं। इसमें हम कैसे बता रहे हैं, तो अब तक जो उनकी स्ट्रेटजी रही है वो खास करके गैर यादव, ओबीसी, मुस्लिम समाज और दलित समाज के ऊपर उनका पूरा पूरा फोकस रहा है, महिलाओं पर उनका पूरा फोकस रहा है, और इसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बात उनको तब समझ में नहीं आई थी जब वो तरारी का उम्मीदवार घोषित कर रहे थे तो उन्हें महिला की याद नहीं आई थी। बाकी के दो जगहों के उम्मीदवार की जब घोषणा कर रहे थे बेलागंज के, तब भी उनको याद नहीं आई, इमामगंज के जब घोषित किए तब भी याद नहीं आई, और जब वो रामगढ़ के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे थे तब भी उनको महिला की याद नहीं आई कि महिला सशक्तिकरण और महिला को लेकर के 40 महिलाओं को उन्होंने वादा किया है कि वो प्रतिनिधित्व देंगे। अचानक से जब वो पेंच फंसता है, जब आदमी का हाथ फंस जाता है ना तो हाथ काट के भी पूरा शरीर बचाना चाहता है, प्रशांत किशोर ने वही कोशिश की है और कोशिश साफ साफ नज़र आ रही है। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है और इस कहानी में हमने आपको आइडेंटिफाई करके शुरू में ही बता दिया है। हम पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसके इतर वो क्या प्लानिंग बना रहे हैं या उनकी सेटिंग गेटिंग क्या है, ये सारी बातें हम आपको पिछले एक सप्ताह से बता रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन के समय ही हमने बताया था, एसके सिंह का चयन करते ही हमने बताया था कि ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर की जो लड़ाई है, और उन्होंने आरा की जनसभा में ये बता भी दिया कि उनकी लड़ाई विशाल प्रशांत से या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई राजू यादव से है। कारण उन्होंने कहा कि जमीन पर वो भी हैं और जमीन पर राजू यादव भी हैं। खैर, इन सारी बातों के आगे की बात अगर करें हम, तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दो जगह का उम्मीदवार उन्होंने बदला है। लेकिन हम ये बात कहने नहीं आए हैं, हम ये बात कहने आए हैं कि प्रशांत किशोर ने पूरा गेम ही पलट दिया है। अगर प्रशांत किशोर के नज़रिए से देखें तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तीनों को, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को भी, इन सभी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार के राज में एनडीए का इतना बड़ा जनाधार होते हुए और तेजस्वी यादव का 30% वोट के बाद भी प्रशांत किशोर ने टक्कर दे दिया है।
प्रशांत किशोर ने यहां तक कि जीतन राम मांझी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सभी परिस्थितियां प्रशांत किशोर बना करके और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतर हैं और उन्होंने जो विकल्प तैयार किया है वो सबसे अच्छा है। अब इन सब बातों के साथ साथ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अब प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद जीत हार के अंतर पैदा होंगे। हम बात आपको अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के चलते हैं तो बात इमामगंज की कर लें तो मांझी बनाम मांझी की लड़ाई है और इस लड़ाई में उन्होंने पासवान उम्मीदवार को उतारा है। यहाँ का जातीय समीकरण हमने आपको बताया था कि इमामगंज का जातीय समीकरण जो है उसमें यादवों की संख्या 25,000 है, मुसलमान यहाँ 28,000 हैं और ये 28,000 मुसलमान बेलागंज में जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार मुस्लिम दिया है, हालांकि चेंज किया है तब भी मुस्लिम उम्मीदवार ही दिया है, ये पहले से तय था कि बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार होगा, क्यों होगा वो भी हम आप आते हैं बता देंगे आपको, लेकिन बेलागंज की के मुस्लिम उम्मीदवार देने का फ़ायदा वो इमामगंज में उठाना चाहते हैं और यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें पासवान जाति 18,000 है। इसके साथ साथ अन्य जातियों का वोट अपने तरफ करके वो 12 महीने में लोगों को ये बता रहे हैं कि 12 महीने में आप आजमा सकते हैं प्रशांत किशोर को और अगर उनके उम्मीदवार जीत करके काम नहीं करते हैं, इन 12 महीनों में वहाँ की जनता को संतुष्ट नहीं करते हैं तो फिर मुख्य चुनाव में उनको वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए प्रशांत किशोर ने यह पूरा का पूरा जाल बिछाया है। बात बेलागंज की करते हैं क्योंकि इमामगंज और बेलागंज को हमने जोड़ा था, पहले खिलाफत हुसैन और अब मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद को उतार करके उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, हालांकि वो इस बात को लेकर के बहुत सारी बातें तो नहीं कह रहे थे। कहा यह जा रहा था कि खिलाफत हुसैन को उतारने के पीछे का बहुत सारा रणनीति था, वहाँ के मामले को सलटाने का था, एक साफ सुथरी छवि के थे। हालांकि मोहम्मद अमजद भी साफ सुथरी छवि के कहे जाते हैं क्योंकि साफ सुथरी छवि इसलिए इनकी कही जाती है कि कई बार वो जनता दल यूनाइटेड से यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छा टक्कर भी दिया था। तो विन विन कंडीशन वाले अमजद को उतार करके चेंज करके कहिए तो प्रशांत किशोर ने यहाँ एक बड़ा गेम खेला है। यहाँ गेम क्या खेला है तो बेलागंज में जो समीकरण बन रहा था जिसको लेकर के लगभग 4 दशक से यहाँ सुरेंद्र यादव का कब्जा था, उसको लेकर के भी उन्होंने आरा की जनसभा में बहुत सारी बातें कही है। प्रशांत किशोर का ये खेल कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो बहुत कैलकुलेटेड ढंग से चीज़ों को बदल रहे हैं, परख रहे हैं और आगे की रणनीति में क्या कुछ करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं कि 1,32,000 वोटरों के भरोसे 6-7 बार से लगातार सुरेंद्र यादव वहाँ से जीतते आ रहे हैं। विकास के नाम पर प्रशांत किशोर का कहना है कि शून्य है, विकास 12 महीने में दिखेगा जब अमजद जीत करके आएंगे। अब इसके साथ साथ आप समझिए कि यादव और मुसलमानों की संख्या यहाँ लगभग 1,32,000 है, 70,000 से ऊपर यादव हैं तो वहीं 62-63,000 के आसपास मुसलमान वोटर को भी कहा जाता है कि वो हैं। इसके अलावे अब इसको कैसे आप डिफरेंस पैदा कीजिएगा तो यहाँ मनोरमा देवी हैं। मनोरमा देवी को ये पता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार उतरेगा और जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा तो मुस्लिम उम्मीदवार उनको वोट नहीं देंगे। तो प्रशांत किशोर ने किया क्या, यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार दे करके वो 62,000 जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको अपनी तरफ आकृष्ट करके उस वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है। इसके अलावा सवर्णों की बात करें तो सवर्णों का कुछ हद तक झुकाव जो है वो नीतीश कुमार की तरफ है और बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण 5,000 हैं, भूमिहार 20,000 हैं, राजपूत 15,000 हैं और सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका बनिया समाज 10,000 है। इन सभी को मिलाकर के कोयरी कुर्मी 25,000 के आसपास हैं। ये 1,32,000 से ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ वोटरों की संख्या 2,87,000 है, यानी कि असल लड़ाई जो 1,32,000 MY समीकरण के वोटर हैं उस वोटर में सेंधमारी करने का, और प्रशांत किशोर ने इसके लिए एक खाका जो है तैयार कर लिया है और यहाँ वो पूरी तरह से पैठ बना चुके हैं, यानी बेलागंज में वो वोटों को प्रभावित करेंगे क्योंकि जो नए उम्मीदवार हैं मोहम्मद अमजद वो पहले भी किस्मत आजमा चुके हैं और बहुत थोड़े अंतर से हारे थे।
इसके असर अब आगे आप बढ़िएगा तो तरारी में देखने को मिल रहा है। तरारी में एक तरफ जहां प्रशांत किशोर का यह कहना है कि आप बताइए विशाल प्रशांत का प्रोफाइल क्या है, उनकी पहचान क्या है, उन्होंने अपने क्षेत्र तरारी में किया क्या है, जबकि उनकी उम्मीदवार जो बदल करके आई हैं एसके सिंह के बारे में वो पहले से कह रहे थे कि ये तरारी के हैं और बिहार का नाम रोशन किया है, इस देश का नाम रोशन किया है वगैरह वगैरह, ये सब बातें कह रहे थे। लेकिन अचानक से जब उनकी उम्मीदवारी पर ग्रहण लगा तो किरण सिंह को लेकर के वो मैदान में उतरे हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने यहाँ परिवर्तन किया है, यहाँ किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद से एक बात साफ नज़र आने लगी है कि किरण सिंह ठीक एसके सिंह की तरह ही, बहुत सारी बातें नहीं, उनका सीधे कहना है कि आप तरारी आइए और हमने क्या किया तरारी में आकर के देखिए। बहुत सारी बातें वो बोलना चाह रही थी लेकिन प्रशांत किशोर ने बीच में रोक करके उनको भी बताया कि चीज़ें कैसे बदलती हैं और यहाँ के लोग किस तरह से वोट देते आए हैं, जो पुराने वहाँ के उम्मीदवार थे जो अब सुदामा प्रसाद बन गए हैं एमपी, दो बार से चुनाव जीत के आ रहे हैं, उनके मकान के बारे में कहा, उनके धन संपत्ति के बारे में बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा कि हम पोस्टर भी जारी करेंगे। यानी कि यहाँ भी प्रशांत किशोर ने एक बड़ा गेम पलटने का प्रयास जरूर किया है, किरण सिंह को वहाँ से उम्मीदवार बना करके। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने तरारी में भी एक बड़ा ट्विस्ट लाने की कोशिश की है, वहाँ जमीनी नेता राजू यादव जो CPIML के हैं उनके साथ वो सीधी टक्कर अपनी बताते हैं, यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत को सीधे तौर पे किनारा कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ अभी बननी बाकी हैं। इन सभी बातों को लेकर के ये साफ साफ दिखाई देने लगा है कि रामगढ़ में भी जिस तरह से उम्मीदवार का चयन किया गया है और इस चयन के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें भी एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ कुशवाहा वोटरों पर नज़र है, राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपको पता है कि अभी अभी कुशवाहा समाज के लोगों का एक झुकाव और एक सॉफ्ट कॉर्नर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बना है, जब से अभय कुशवाहा जीत करके MP के रूप में आए हैं और कुशवाहा समाज के नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया था पिछले लोकसभा चुनाव में। यानी कि यहाँ भी स्विच करने की कोशिश की गई है और यहाँ भी प्रशांत किशोर ने अपना एक नया प्लान रच करके पूरा कहानी कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की है। अब ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की जो स्थिति है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पूरा का पूरा गेम प्लान समझ गए हैं या फिर वो किसी गेम प्लान के तहत ये सारा सब कुछ एक्ट कर रहे हैं। उनका उम्मीदवार बदलना, उम्मीदवारों का चयन करना, ये सब एक राजनीति और प्लान के तहत हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार को अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी प्रशांत किशोर का नाता रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर के जो मुख्य चुनाव है उससे पहले ये 4 सीटों का जो उपचुनाव है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इसमें परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा पेचीदी हो गई हैं। इसके परिणाम आने के बाद बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। इतना तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी, कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर है। इस कहानी में ये साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर की एंट्री मारने के बाद जीत हार जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये लड़ाई बहुत हद तक अब हाथ से निकलती नज़र आ रही है। 4 सीटों में 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, 1 सीट NDA गठबंधन के पास है और इसमें से अगर अंतर पैदा होता है, बदलता है समीकरण, तो एक बात साफ नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इस लड़ाई में एक बड़ा रंग बदला है, परिवर्तन किया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।